जब इंसान के अंदर से इंसानियत खत्म हो जाती है, जब पुलिस का खौफ निकल जाता है, जब संसार से मोह नहीं रह जाता, तो वो बन जाता है क्रिमिनल और जुर्म की दुनिया में अपराध के काले पन्नों पर अपना नया आधार कार्ड लिखवा लेता है, जिसका पता कई अपराधों से गुजरते हुए आखिरकार जेल होता है। जुर्म के अनोखे अफसाने, हैरतअंगेज और खौफनाक वारदातों की खून से तनी तस्वीरें, काले कारनामों की कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। लेकिन हमारा मकसद सनसनी फैलाना नहीं है, बल्कि आपको सावधान करना है, कहीं कातिल आपके आसपास तो नहीं। तो आज भी हाजिर हूं मैं संदीप निरंजन सरकार सनसनी से भरी कई वारदातों के किस्सों को लेकर, जो कराएंगी आपका सच से सामना और रूबरू कराएंगी आपको दुनिया की सच्चाई से। हम आपको दिखाएंगे जुर्म से जुड़ी खबर, क्योंकि आपके हर तरफ घूम रहे हैं क्रिमिनल। तो हो जाइए तैयार और खोल लीजिए आप कान। हरियाणा के झज्जर निवासी युवक की दिल्ली में उसके ऑफिस में काम करने वाले क्लर्क ने बेरहमी से हत्या कर दी, जिसके बाद उसके शव को जमीन में गाड़ दिया। आरोपी द्वारा दिल्ली पुलिस से पूछताछ के दौरान जो खुलासे किए, वो भी चौंकाने वाले हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी रिपोर्ट। झज्जर के युवक की दिल्ली में हत्या, महेश के परिजन लगा रहे न्याय की गुहार। महेश हत्याकांड में बड़ा खुलासा, पैसों का लेनदेन बना हत्या का कारण, परिवार की मांग अपराधियों को मिले फांसी। बता दें कि 42 वर्षीय महेश करीब 19 साल से दिल्ली के सरोजनी नगर स्थित सर्वे ऑफ इंडिया डिफेंस ऑफिसर कॉम्प्लेक्स में सीनियर सर्वेयर के पद पर काम कर रहा था। हर रोज झज्जर से दिल्ली अपनी गाड़ी में अप डाउन करता था। वहीं मृतक की पत्नी रेखा का कहना है कि पति महेश 28 अगस्त को अपने ऑफिस गया था। मैंने उनको घर का सामान लाने के लिए बोला तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अनीश से मिलने जा रहा हूँ, उसके मिलने के बाद घर का सामान लेकर आऊंगा। लेकिन जब महेश शाम तक घर नहीं पहुंचा तो फोन किया, लेकिन मोबाइल बंद आ रहा था। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद देवर मनीष को बताया, जिसके बाद परिवार के लोगों ने महेश के ऑफिस में पता किया। मेरे पति महेश कुमार से थोड़ा बहुत अनीश को जैसे जानते थे, ज्यादा बहुत लंबे टाइम से तो नहीं जानते थे, और इनका आपस में कुछ नौकरी से लेके कुछ लेन देन था। अनीश ने ये कहा था कि भाई 2 साल पहले मेरी ऐसे जुगाड़ से नौकरी लगी है, तो कुछ पैसे महेश ने किसी से लिए और उसको दे दिए। वो अमाउंट भी एक्चुअली नहीं पता कितना था और किन से लिए, वो भी एकाधिको तो मैं जानती हूँ, बाकी को तो नहीं जानती, 2-3 लोग हैं। और उसके बाद फिर वो जैसे मंडे को गए ऑफिस, सब कुछ राजी खुशी बढ़िया से, फिर फोन का स्विच ऑफ था, मैंने फोन ऑन किया तो फोन स्विच ऑफ है, बात करती रही मैं बस। उसके बाद से फिर पता ही नहीं चला। फिर मैंने फोन मेरे देवर को, जिया जहन को फोन किया कि भैया ऐसे महेश नहीं आए ऑफिस से, और अनीश से मिलने गए थे लास्ट टाइम। तो फिर इन्होंने अनीश का नंबर लिया मेरे से, फिर मैंने अनीश से बात करी कि कहाँ है, तो अनीश ने बताया कि भाई वो चला गया, मेरे से मिलने तो आया था पर वो चला गया, गाड़ी मेरे पास है। फिर मैंने सारी मेरे देवर को बता दी और जिया जी को बता दी। उसके बाद उन्होंने अनीश से बात करी, फिर उसको दिल्ली आया वापस, उसको पकड़ा, फिर थाने ले गए, फिर रिपोर्ट हो गई। उन्होंने कहा कि महेश तो 1 बजे ही ऑफिस से जा चुका है। उसके बाद देवर ने आरोपी अनीश से बात की तो उसने कहा कि वह मेरे पास आया था लेकिन मिलने के बाद चला गया था और अपनी गाड़ी मेरे पास ही छोड़ गया। उसके बाद परिवार के लोग अनीश से भिकाजी कामा पैलेस पर मिलने गए, जहां पर अनीश ने मृतक की गाड़ी खड़ी की हुई थी। उसके बाद परिवार के लोगों को अनीश पर शक हुआ। उसके बाद मृतक का भाई व अन्य परिजन अनीश को लेकर दिल्ली के आरकेपुरम थाना पहुंचे और पुलिस को शिकायत दी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने अनीश से थोड़ी बहुत पूछताछ करके उसे सुबह 7:30 बजे छोड़ दिया और महेश की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली। फिर उसके बाद महेश के परिजन दिल्ली में महेश के ऑफिस पहुंचे, जहां पर अनीश मिला। ये मेरे भाई की मिसिंग का मामला था, इसमें जो मेरे भाभी ने बताया कि तेरा भाई 28 तारीख को शाम को घर पे नहीं आया था,
फिर हमें पता चला कि वो किसी अनीश से मिलने गया है। तो हमने जैसे रात को अनीश से बात की तो उसने हमें भीखाबाजी पैलेस पे बुलाया कि उसने बताया कि भाई तेरा भाई मेरे को गाड़ी दे के गया है, मगर भाई तू जहाँ भी है वहीं पे हमको मिल और हमें बता के कहाँ गया मेरा भाई। तो मैं वहाँ गया, हम सब घर से गए इकट्ठे होके यहाँ से उससे मिलने के लिए। वहाँ पे उसने जब संतोषपुर ले दिया तो हम फिर उसको थाने में लेके गए आर के पुरम 12 सेक्टर में। वहाँ पे उसने तब भी कुछ नहीं बताया, वहाँ पे उसने सिर्फ इतना कहा कि झूठ बोलता कि आपका भाई चला गया है इधर उधर, अपना आप आ जाएगा, इस तरीके से बात करता रहा वो। फिर पुलिस ने भी उसे सुबह छोड़ दिया, जिससे 29 तारीख को वो सुबह निकल गया। और उसका उसने बताया कि उसका एक भाई भी है इसमें, और सिर्फ पुलिस वालों ने मिसिंग कंप्लेंट नोट करके और उसको छोड़ दिया। बाकी बाद 2800 कंप्लेंट दे दिया मैंने रात में ही। जब अनीश से महेश के बारे में पूछा तो वे बातों को घुमाने लगा, कहा कि महेश का मोबाइल भी मेरे पास है। तब अनीश पर पूरा शक हुआ और दिल्ली पुलिस को वहां पर बुलाया गया। पुलिस ने अनीश को गिरफ्तार किया और रिमांड पर लेकर पूछताछ की। अनीश ने बताया कि मैंने ही महेश की हत्या की है, महेश को सेक्टर 2 के मकान नंबर 1121 में बुलाया था। उसके बाद महेश की दोपहर में ही सिर में पाइप रिंच मारकर हत्या करके शव को रात में गाड़ी में डालकर मकान नंबर 623 के आंगन में गाड़ दिया, ऊपर से पक्का फर्श करवा दिया। लेकिन बाद में पुलिस ने जमीन से महेश के शव को निकलवाया और पोस्टमार्टम के बाद परिवार को सौंप दिया। लेकिन अब अनीश द्वारा पुलिस की पूछताछ के दौरान जो बात कही गई वो चौंकाने वाली है। मेरे बेटे को तो सवेर खाना लेके गया था, तब तक तो मैं थी। बाद में शाम को 5 बजे उसको ये मैसेज डाला, बाद में जब पता मेरे को लगा था वही मेरा बेटा गुम कर लिया। जब बाद में पता होता चला गया लड़की का भी मामला बताया, लड़की का मामला उसी ने तो चेपा ये बात कर, नहीं वो लड़की तो उसके मुंह पे थूक के वापिस आ गई, मेरे से गंदे आदमी। मेरे बेटे का कोई रोल नहीं था उसमें। फिर आप लोग आरोपी है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई चल रही है? अब कार्रवाई देखो, कल ये गए थे उसको इतना ही है भाई, जहाँ तक है वो बंदा पकड़ रखे इतना तो मेरे को पता कि मैं सजा मिलनी चाहिए। नहीं सजा वैसी मिलती है, मेरे बेटे को न्याय मिलना चाहिए। बस मेरे बेटा निर्दोष है, अब निर्दोष है मेरे बेटा। लास्ट टाइम बात हुई थी आप? नहीं मैं तो थी नहीं ना यहाँ, ये तो घूमने जा रहे थे वहाँ देवघर। उन्होंने बोला मम्मी मेरे 12 ज्योतिर्लिंग पूरे गए, मैं बहुत खुश हूँ। बस सुबेरे चल ये ड्यूटी चला गया, मैं आई तब ये शाम को घटना घट गई, जब तक का पता बस मेरे को। वही अनीश ने कहा कि महेश की उनके ऑफिस में काम करने वाली एक लड़की से दोस्ती थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। महेश की पत्नी ने कहा कि महेश हर बात उससे बताते थे और अनीश केस में पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए झूठी कहानी बना रहा है। अनीश ने महेश से पैसे ले रखे थे, पैसे न देने पड़े इसलिए उसने महेश की हत्या कर दी। इस मामले में अनीश का भाई भी शामिल है। अब महेश की पत्नी ने सरकार और पुलिस से मांग की है कि उसके बच्चों को अनाथ करने वाले आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और उन्हें फांसी की सजा दी जाए। महेश की हत्या के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना के बाद से मृतक महेश की मां और पत्नी के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। तो वहीं भिवानी में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक पर 3 से 4 लोगों ने ताबड़तोड़ गोलियां चला दी, जिसके बाद युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल युवक सुरक्षित है, लेकिन सवाल यह है कि क्या रंजिश को खत्म करने का रास्ता अपराध है? आप इस रिपोर्ट को देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि सबसे बड़ा अपराध रंजिश है। आजकल लोग पुरानी रंजिश में अपने दुश्मन को खत्म करने के लिए खुद को खत्म कर रहे हैं। दरअसल लोगों को यह पता नहीं कि रंजिश को खत्म करने के लिए अपराध रास्ता नहीं है, बल्कि समय के बदलते स्वरूप के साथ इंसान को बदल जाना चाहिए और जो गलती पहले हुई है उसे दोबारा नहीं दोहराना चाहिए।
दरअसल हरियाणा के भिवानी जिले के गांव दिनोद में एक युवक पर चार बाइक सवार 8 से 9 लोगों ने ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। एक गोली युवक के सीने में लगी जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए भिवानी के नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। आज मुझे अभी थोड़ी देर पहले पता चला, हमारा जो नाते में भांजा लगता नरेंद्र, वो प्लाट में प्रैक्टिस करके आया था, तो वो बैठे थे ऑफिस में, तो वहाँ पे 8-9 लड़के थे जो इन्होंने आके अंदर सीधे इसके ऊपर फायर ठोक दिए। अभी क्या गोली लगी, कहाँ पर लगी है? अभी तो एक तो यहाँ पे लगी हुई सीधी के ऊपर ही, अभी डॉक्टर दोबारा फिर जांच करने लग रहे हैं, और जांच करने के बाद पता लगा कितनी गोलियां लगी। एक तो स्पष्ट दिखाई दे रही है यहाँ पे जो लगी हुई, ये तो लगभग ये मान के चलो आप एक साल से, तो जो ये लड़के हैं जो 5-7 लोगों का गिरोह, इन्होंने पूरे गांव के अंदर आतंक मचा रखा है, और मुझे भी जिन्होंने मारने की कोशिश की थी और जो साजिश करता है वो सभी इसी ग्रुप के हिस्से हैं। घायल नरेंद्र ने बताया कि वह गांव दिनोद का रहने वाला है, सुबह शारीरिक अभ्यास करने के लिए गया हुआ था, उसके बाद वह बस स्टैंड के समीप अपने कार्यालय पर बैठा हुआ था। उसी दौरान 3 से 4 बाइक सवार होकर 8 से 9 युवक आए और गोली चला दी। उन्होंने बताया कि एक गोली उसके सीने में लगी है, जब उसने भागने का प्रयास किया तो आरोपियों ने पीछे से भी 4 से 5 फायर किए जिससे वह बच गया। मैं सुबह प्रैक्टिस करके आया था, ऑफिस के पास बैठा था, एक दो भाई और थे, तो मैं बातें करने लग रहा था, 3-4 मोटरसाइकिल आए पीछे से, तो जो शोरूम में उतर के आए कट्टा ले रहे थे, उन्होंने पिछाने कौन था, बच्चे थे मतलब छोटे थे, उन्होंने जानू कौन था, मैंने बेर को पता नहीं, तो उन्होंने सीधी गोली मार दी, उन्होंने हाथ पा मार के निकलने की कोशिश करा, उसमें बाटी मंजीत सत्य 8-9 जने थे, 3-4 मोटरसाइकिल थे, फिर मेरे पीछे बाजे 4-5 गोली पीछे तक मारी है, मेरे वे लागन पड़ पाए, मैं निकल गया। वही मामले की जांच कर रहे थाना प्रभारी कुलदीप का कहना है कि पुरानी रंजिश के चलते युवकों ने हमला किया है। उन्होंने बताया कि पहले भी कई बार लड़ाई झगड़ा आरोपियों के साथ हो चुका है, फिलहाल उन्हें गोली के खोखे भी मिले हैं, आगामी कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। सूचना मिली थी गांव दिनोद में फायरिंग हुई है, एक लड़का नरेंद्र है जो फायर आर्म से इंजर्ड है, और मौका पे पहुंचे हैं, मौका पे पहुंच के जो है मौका मुआयना किया गया, वहां जो है लोगों से पूछताछ की गई, जो सीसीटीवी है उसको खंगाला गया, उससे पता चला है कि 6 लोग आए थे, 2 बाइक्स पे सवार थे, आते इन्होंने ताबड़तोड़ इस लड़के पर गोलीबारी की, एक फायर आर्म जिसको हिट कर गया है, और मौके से अभी तक एक खोल भी बरामद हुआ है वहाँ से, और आगे कार्रवाई जो है अनुसंधान के लिए IUMO का भी भेजा गया है। इस मामले को लेकर कप्तान साहब ने टोटल 6 टीमें बनाई हैं, और 6 टीमें अलग अलग एंगल पे काम कर रही हैं, CIA 2, CIA 1, लोहार और रिसर वाला स्टाफ जो है लगे हुए हैं, थाना से भी 2 टीमों का गठन करके धरपकड़ जो है वो की जा रही है। रंजिश में लोग दूसरे को बर्बाद करने के चक्कर में खुद को बर्बाद कर लेते हैं, उन्हें यह पता नहीं होता कि रंजिश का समाधान अपराध नहीं है। तो वहीं गुरुग्राम के बादशाहपुर इलाके में अवैध रूप से चल रहे कसीनो पर पुलिस ने छापा मारकर जुआ खेलने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने जुआ खेलने और खिलाने वाले 40 से ज्यादा आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया। जिस कसीनो में जुआ, शराब और अवैध गतिविधियां हो रही थी उसकी टैगलाइन में गोवा का मजा लीजिए गुरुग्राम में था। दरअसल पूरी घटना बादशाहपुर इलाके की है, जहां क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि अवैध कसीनो के माध्यम से लाखों करोड़ों रुपए का जुआ खिलाया जा रहा है, साथ ही कसीनो में विदेशी शराब के साथ आपत्तिजनक और गैर कानूनी काम हो रहे हैं, जिस पर क्राइम ब्रांच सिकंदरपुर के इंचार्ज सतेर ने मौके पर रेड की और 40 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार कर वारदात का खुलासा कर दिया। वहीं पुलिस ने मौके से विदेशी शराब के साथ कसीनो में इस्तेमाल टेबल टोकन और 2 दर्जन से ज्यादा ताश की गड्डियां बरामद की हैं। गुड़गांव पुलिस की क्राइम ब्रांच ANC यूनिट है और सिकंदरपुर की,
उसके जो इंचार्ज हैं इंस्पेक्टर सतेंदर, उनकी दिशा निर्देश और उनकी टीम द्वारा इस कैसीनो का भांडाफोड़ करा गया है। ये अवैध रूप से कैसीनो गुड़गांव के अंदर चलाया गया था, जो सकतपुर बास के एक बादशाहपुर के एरिया के अंदर एक फार्म हाउस के अंदर चल रहा था। इसके जो मुख्य मेन सरगना है, जो उनको तीन व्यक्ति विशेषों को पकड़ा गया है आरोपियों को, उनमें से एक कृष्ण कुमार है जो ज्योतिबाग गुरुग्राम के रहने वाले हैं, और दूसरे हैं सुरेंद्र कुमार, ये रामनगर गुरुग्राम के रहने वाले हैं, और मनीष, ये भी रामनगर गुरुग्राम के रहने वाले हैं। बेसिकली इनका मॉडस ऑपरेंडी था, जिस तरीके से गोवा के अंदर कैसीनो संचालित किया जाता है, चलाया जाता है, उसी के मद्देनजर रखते हुए उसी की तौर तरीके से गुड़गांव के अंदर भी ये कैसीनो अवैध रूप से चलाने की कोशिश कर रहे थे। और जिस दौरान इन्होंने उस मतलब जो भी ये कैसीनो चलाया गया है, इसकी एस्टेब्लिशमेंट करी गई, जहाँ जब मौके पर पुलिस ने, क्राइम ब्रांच ने यहाँ पर रेड करी, तो वहाँ मौके से काफी लीकर वगैरह भी बरामद करी गई है। एक्साइज एक्ट के तहत साथ में कंसर्न केस के साथ धाराएं लगाई गई हैं। बताया गया कि अवैध कैसीनो संचालक का नाम कृष्ण कुमार उर्फ संजय है। वो शहर के बड़े बैग हाउस का मालिक है। उसके साथियों की पहचान मनीष और सुरेंद्र के तौर पर हुई है। ये लोग बीते काफी समय से शहर के कई इलाकों में कैसीनो टेबल लगाकर करोड़ों का जुआ खिलाने का काम कर रहे थे, और अवैध तौर पर जो कैसीनो खिलाया जा रहा था, उस संबंध में इन तीन व्यक्ति विशेष जो मेन ऑपरेटर थे, जो संचालक थे, उनको पकड़ा गया है, और 40 ऐसे अन्य व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया है, साथ में पकड़ा गया है, जो वहां पर वो कैसीनो के साथ वहां पर खेल रहे थे। और मौके से काफी चीजें इस संबंध में बरामद करी है, रिकवर करा गया है, और उसके खिलाफ जो संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई करी गई है। इसमें कुल 40 व्यक्ति विशेष हैं जिनको पकड़ा गया है, जिसमें कुछ लोग एज ए डीलर प्ले करते हैं, जो कैसीनो को बेसिकली संचालित करते हैं, जो खिलाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो जिन्होंने ये सारा सेटअप करा है, जिन्होंने इन लोगों को इन्विटेशन भेजा है, और इस तरीके के कैसीनो खिलाने में बेसिकली अहम भूमिका निभाई है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मौके पर वहां पर वो कैसीनो खेलने आए हैं, क्योंकि इस तरीके से ये अवैध गतिविधि है, अवैध ये बैन है, और नाजायज तरीके से इस चीज को चलाया जा रहा था, तो उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करते हुए गुड़गांव पुलिस द्वारा इसमें एक्शन लिया गया। संजय अक्सर गोवा जाता रहता था, वहीं से उसे कैसीनो में जुआ खिलवाने का आइडिया आया। फिर क्या, इसके बाद वो अपने साथियों संग मिलकर अवैध कैसीनो चलाने लगा। उसके कैसीनो में जुआ खेलने आए लोगों में कई नामी गिरामी व्यापारी और नौकरशाह शामिल हैं। उन सभी पर FIR दर्ज की गई है। फिलहाल पुलिस कैसीनो से जुड़े लोगों के तार खंगाल रही है। देखिए, जिस तरीके से गोवा के अंदर ये कुछ जगहों के अंदर, गोवा के अंदर इस तरीके के जो गैम्बलिंग ये बेसिकली है, ये लीगल है वहां पर, और काफी लोग गोवा में जाते हैं, इस तरीके की एक्टिविटीज में इन्वॉल्वमेंट रखते हैं और ऐसी चीजों के अंदर शौक रखते हैं। तो उसी मॉडस ऑपरेंडी को देखते हुए, उसी तरीके की कार्य प्रणाली को देखते हुए, इन्होंने कोशिश करी कि यहाँ गुड़गांव के अंदर भी, क्योंकि दिल्ली NCR के अंदर काफी लोग इस तरीके का शौक रखते हैं, तो वैसे ही घटनाक्रम को इन्होंने इस तरीके से बिल्कुल हूबहू यहाँ पर प्रिपरेशन करी, और वैसे ही कैसीनो के लिए बेसिकली यहाँ पर सेटअप करवाया गया, और उस तरीके से ये फिर सारी प्रिपरेशन हुई। ACP क्राइम वरुण दहिया के मुताबिक अभी जांच शुरुआती दौर में है। पुलिस आरोपियों के खिलाफ गैम्बलिंग एक्ट का मामला दर्ज कर एक्शन ले रही है। गिरफ्तार लोगों को कोर्ट में पेश कर जेल भेजा गया है। तो वही हरियाणा के गुरुग्राम में बसई रोड पर एक दिव्यांग व्यक्ति की ईंटों से कुचलकर हत्या कर दी गई। अपराधी इतने बेरहम निकले कि एक दिव्यांग को भी नहीं बख्शा। आखिर इस दिव्यांग व्यक्ति की किससे क्या दुश्मनी होगी, जिसने बेरहमी की सारी हदें पार कर दी। इस रिपोर्ट में देखिए। मानवता को शर्मसार करती यह तस्वीर उस व्यक्ति की है, जिसके पास चलने के लिए सही पैर भी नहीं है। ना जाने ईश्वर ने इसे कौन सी सजा दी है कि गरीबी की मार झेलने के बाद इसे ईंटों की मार झेलनी पड़ी। भगवान इसे मौत देता, उसके पहले कुछ दरिंदों ने इसे ईंट से कुचलकर मौत दे दी। दरअसल पूरा मामला साइबर सिटी गुरुग्राम के बसई रोड का है, जहां 45 वर्षीय एक विकलांग व्यक्ति की ईंट से कुचलकर हत्या कर दी गई।
मृतक की पहचान सीनू के रूप में हुई है, जो मूल रूप से फरीदाबाद का रहने वाला था और गुरुग्राम में शनि मंदिर के पास भीख मांगकर अपना गुजारा कर रहा था। बसई रोड पर विकलांग व्यक्ति की हत्या की सूचना जैसे पुलिस को मिली तो गुरुग्राम की न्यू कॉलोनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं एसीपी नवीन की माने तो 45 साल का सीनू फरीदाबाद का रहने वाला था। काफी समय से यह गुरुग्राम के बसई रोड पर भीख मांगकर अपना गुजारा किया करता था। सीनू की ईंटों से कुचलकर हत्या कर दी गई। मृतक के चाचा को इस घटना की सूचना दी गई। वहीं पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। ये सीनू नाम का व्यक्ति है, इसकी उम्र करीब 45 के आसपास है। तो ये फरीदाबाद का रहने वाला था, तो काफी समय से ये शनि मंदिर के आसपास भीख वगैरह मांग के गुजारा करता था। हाँ, इसमें चोट के निशान है, ईंट वगैरह मिली है यहाँ पे और हत्या का ही मामला अभी लग रहा है, तो इसमें कार्रवाई की। वहीं जिस दुकान के सामने विकलांग सीनू का शव मिला उसी दुकान पर प्रतिदिन धर्मेंद्र नाम का युवक फूल देने का काम करता है। वह हर दिन की तरह आज भी 7 बजे फूल देने के लिए दुकान पर आया था, लेकिन तब उसे शव नहीं मिला। फिलहाल क्या कुछ कहना है धर्मेंद्र का वो ही सुनिए। सर मैंने तो देखो कुछ देखा नहीं, मगर दूसरी मैं पहली दुकान पे फूल लेने जाता हूँ तो मतलब उसी पे टांग के मैं चले जाता हूँ अपने, और इससे पहले ही दुकान है उस पर खड़ी थी लेडी, मेरे को मैंने ध्यान नहीं करा, मैंने बिल्कुल भी कोई ध्यान नहीं करा। मैं आया था लमसम 7 बजे लमसम। हाँ, मैंने कॉल भी करी यहाँ पे मैंने अपने दोस्त को, तो यहाँ से मेरे को कोई कुछ नहीं दिखा। तो जब रोज आते थे तो क्या ये रहती है? तो नहीं नहीं सर, मैंने तो देखा, मैं तो अभी गांव से आया हूँ। मतलब क्या कहना चाह रहे थे 7 बजे के बाद शायद? हाँ। फिलहाल विकलांग सीनू की मौत की गुत्थी अभी सुलझी नहीं है, पुलिस लगातार जाँच कर रही है। वही सवाल है की क्या विकलांग सीनू की किसी से दुश्मनी थी या फिर इसके पीछे कोई और वजह है। तो देखा आपने किस तरह से बदमाश शातिराना अंदाज में अपराध की वारदातों को अंजाम देते हैं और मौके से फरार हो जाते हैं। हमारे इस खास कार्यक्रम का मकसद आपको डराना नहीं बल्कि आगाह करना था, क्योंकि हो सकता है कि कोई बदमाश दोस्ती और अपनेपन का चोला पहनकर आपके आसपास घूम रहा हो। तो सावधान रहिए और ऐसी वारदात भरी कहानियों के लिए देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम क्रिमिनल।